नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल सुमेला टक्कर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसानों को जो पूरा का काम लगता है, पशुखवाने के चारा के काम में आता है, उसकी दवाई किस तरह किया जाता है, आसान तरीके से दवाई किया जाता है, किसान को भी फायदा पूरा निकल आएगा, पराली फूकने से नष्ट नहीं करना पड़ता है, ये पूरा निकल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा किस तरह निकाला जाता है, किस आसान तरीके से बिना नष्ट बर्बाद किए फसल को नीचे नहीं गिराएंगे। ट्राली पर लदी देखे, एक ट्राली की दवाई हो चुकी है, इस ट्राली की दवाई होनी भी बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि इस तकनीक से अगर आप धान की दवाई करते हो तो आपका धान भी सुरक्षित सही तरह से दवाई किया जा सकता है, और आप जो पैरा होता है उस पैरे को अपने पशु के चारा के रूप में प्रयोग भी किया जा सकता है। अभी देख लीजिए, थ्रेसर है, ये थ्रेसर जो है ये गेहूँ का थ्रेसर, गेहूँ दवाई का थ्रेसर है। अब गेहूँ दवाई से थ्रेसर से हम पैरे को पूरे को निकाल अंदर डाल के बाली अंदर सेफ निकल आता है धान, उसके बाद में हमारा पैरा पशु चारा के रूप में काम आता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसमें डबल काम होता है, एक तो किसान का धान निकल आता है, उसके साथ साथ पैरे का भी उपयोग किया जा सकता है चारे के रूप में। अब किस तरह इसकी दवाई करना चाहिए भी महत्वपूर्ण होता है। मैं अभी दवाई करके दिखाऊंगा कितने आरपीएम पे ट्रैक्टर को चलाना चाहिए, किस तरह चलाना चाहिए, किस तरह इसको लगाना चाहिए। इसको लगाने के लिए अंदर हाथ को पकड़ के सावधानी भी रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो ट्रेंड होते वही इससे लगाना चाहिए, जो अनट्रेंड होते हैं लगाने वाले वो नहीं लगा पाते हैं। जो सही ढंग से लगाने के लिए बाली को अंदर जाए, उसके बाद में निकाल के फेंक देना होता है। मैं अभी आपको दिखाऊँगा किस तरह लगा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये थ्रेसर होगा, ये भारतीय मानव ब्यूरो द्वारा प्रमाणित थ्रेसर है, धर्म कंपनी का थ्रेसर है। ये देखिए, धर्म कंपनी का होगा, ये होगा ट्रैक्टर 744, ये 60 लग चुका है। अभी ट्रैक्टर चालू होने वाला है, अभी चालू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह धान निकलेगा, किस तरह पैरा निकलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किस तकनीक से अगर दवाई किया जाए। चालू करिए ट्रैक्टर को, दिखा रहा हूँ। देखिए क्या शानदार दवाई होने जा रही है। देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर इस तरह से आप दवाई करते हो तो आपका जो पराली फूकने की समस्या होती है, उस समस्या से आपको निजात मिल जाती है। देख लीजिए, पैरे से सेफ निकल आता है। अब आप गन्ने की बंधाई में प्रयोग कर सकते हो, गेहूँ बंधाई में प्रयोग कर सकते हो, ये देखिए। और उसके साथ साथ पशु चारे के लिए पलाई करके आप खिला सकते हो। ये धान भी निकल रहा है, देखिए ये धान दवाई होगा। पहले क्या होता था, हम पूरे को पीटते थे, पीटने में हमें काफ़ी दिक्कत होती थी। पीटने में क्या होता था, हमें धान को दोबारा साफ करना होता था, और ये होता है ये धान साफ, एक साफ धान निकल आता है। देखिए ये, और इधर परकोचे को इधर निकाल देता है, परकोचे को भी खिलाया जा सकता है पशुओं को। देखिए ये महीन भूसे बना देता है, ये भूसा को भी प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्राली में किस तरह लगता है धान को, और किस तरह लोग लगा रहे हैं। देखिए ये फायदा होता है कि हमें कम समय में ज़्यादा काम किया जा सकता है, और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। देखिए ये क्या शानदार, देखिए ट्राली से भी खल, देखिए ये कितना ट्राली हो चुका है। ये देखिए क्या शानदार दवाई करते हुए पशु चारा के साथ साथ धान की अच्छी दवाई किया जा रहा है। किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करें। अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप सुझाव भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। ये देख लीजिए किस तरह धान की दवाई हो रही है, इससे ये फायदा होता है कि आपका नीचे गिराने का भी काम नहीं है। देखिए ये ट्राली से सीधी दवाई, ट्राली से धान की सीधी दवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्राली से धान की सीधी दवाई किस तरह किया जा रहा है। इससे किसान के फायदे के साथ साथ कई तरह का इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर मेरे चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको ट्रैक्टर भी दिखाऊंगा, ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चल रहा है, ट्रैक्टर को कितने आरपीएम पे चलाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए साफ कर रहा है। ये साफ चल रहा है, देखिए ट्रैक्टर को मैं दिखा रहा हूँ कितने आरपीएम पे ट्रैक्टर चल रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर
14 RPM पे चल रहा है, 12 और 14 के बीच में चल रहा है ट्रैक्टर। क्या शानदार दवाई करता हुआ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के बिना लोड भी चल रहा है, ट्रैक्टर से कोई लोड नहीं पड़ रहा है, शानदार दवाई करता हुआ ट्रैक्टर। देख लीजिए ये शानदार दवाई है।